मैं तेरी और तेरे पिता की तपस्या से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। मैं जानता हूं तू बोल नहीं सकता, तुझे वाणी चाहिए, तुझे वाणी मिलेगी, ऐसी वाणी मिलेगी जो सारे संसार में तेरा नाम अमर कर देगी। एव मस्तु। से शंकर भगवान का मंदिर ढोलने लगा और स्तुति पूरी होने पर वैसा का वैसा टेढ़ा ही रह गया। शंकर भगवान बेटा चलो अपनी माँ के पास, वो तुम्हारे लिए कितनी दुखी होगी। Pick up.
पर इस बस्ती में दिन दहाड़े सिंह कहां से आ सकता है? हम देखते अपने प्राण गए। स्वामी जी हमें काम मौत क्यों मुंह में खेत रहा है? तो क्या हुआ? अबे शेर है। क्या हुआ था? क्यों सर? तो ये आप शेर महाशय हैं? भागो नहीं, ये शेरों की आवाज कहां से सीखी? आओ मेरे साथ आओ। डरो नहीं बच्चों, हम तुमसे नाराज नहीं, खुश हैं। बताओ तो कहां सीखी ये शेर की आवाज? ये अपने आप ही सीख गया। अच्छा? महाराज तन्नू जन्म से गूंगा था, भगवान शंकर जी की कृपा से बोलने लगा। तब तो और भी कमाल की बात है। कहाँ रहती हो बेटी? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। अरे बच्चों खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? प्रणाम करो इन्हें, ये वृंदावन के स्वामी हरिदास जी हैं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। चलो तो बेटे, ले चलो हमें अपने घर। गोविंद 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 गोविंद। मेरे धन्य भागवते, जो आपने सौभाग्य की कुटिया को पवित्र किया। बेटा तन्नू जा, अपनी माँ से कह दे वृंदावन से स्वामी हरिदास जी पधारे। चलो तन्नू, हम ही चले चलते। आज गोविंद 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 गोविंद। वही रखो बेटी, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तन्नू जैसा बेटा पाया। ये बड़ा फोन आ रहा है। स्वामी जी मुझे इसी की चिंता थी जो आपने दूर कर दी। अब मैं चैन से। नहीं नहीं तन्नू की माँ, सब अच्छा ही होगा। गुरुदेव के रूप में भगवान पधारे हैं हमारे घर में। बेटी गोविंद को भेजती रहना, उसे कभी ना बिसारना, वही मेरा पार लगाएगा। अच्छा माँ गोविंद के चरणों के पास पहुंच चुकी है, ज्योति ज्योति में जल्द मिलने वाली है। तो फिर मेरा क्या होगा गुरुदेव? तन्नू का क्या होगा? तन्नू संसार का एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी वाणी में भगवान ने वो बात रख दी है जो हजारों साल में एक बार सुनाई देती है। तन्नू को संगीत की शिक्षा हम देंगे। तो तन्नू को आप अपने साथ ले जाएंगे? नहीं अभी नहीं, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचने में 3-4 साल लग जाएंगे। तुम तन्नू को ग्वालियर मोहम्मद गौस साहब के पास ले जाओ और हमारा नाम लेकर तन्नू को उन्हें सौंप दो। और जब हम तीर्थ यात्रा से लौटेंगे तो उसे अपने पास बुला लेंगे। गुरुदेव तन्नू को छोड़कर हम अकेले कैसे रहें? वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और फिर मोहम्मद गौस तो मुसलमान है और हम ब्राह्मण। संतों की कोई जात पात नहीं होती, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक होते हैं। भैया अब तुम्हें तन्नू का मोह छोड़ नहीं होगा, उसका भविष्य तुमसे दूर रह कर ही बनेगा। उसे ग्वालियर जल्द से जल्द पहुंचा दो, गोविंद सब ठीक कर देगी। जो आप कहते हैं। तन्नू कहाँ? तन्नू बेटा, तन्नू बापू। स्वामी जी याद है, इनके पैर पड़ो बेटा। गोविंद गोविंद। रब भी तू बंदा भी तू, तेरे किससे मिसाल? तू सब में सभी तुझ में, फिर भी तू दिखाई नहीं देता। पता क्यों? किस लिए है तेरे पास इसका भी जवाब, पर तू अभी नहीं बताएगा। अच्छा तेरी मर्जी। बाबा कहो मुकुल, वक्त है आ गए। इस बच्चे को स्वामी हरिदास जी ने भेजा है, हमें उनका हुक्म मिल गया। घबराओ नहीं,
तुम्हारा तन्नो वाकई होनहार लड़का है। महारानी गुजरी की संगीत शाला में इसके संगीत सीखने का इंतजाम करवा दे। हाँ बाबा, स्वामी हरिदास जी ने कहा है तीर्थ यात्रा से वापस वृंदावन लौटने पर वैश्य अपने पास बुला लेंगे। बहुत बेहतर, बहुत। ये बच्ची यहां कैसे चली आई? बाबा, इसके माँ बाप नहीं सिर्फ चाचा है, छटपन से तन्नो के साथ खेलती आई है। अगर आप हुक्म दें तो ये भी तन्नू के साथ। क्यों नहीं, इधर आओ बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? अनिता। हमारी भी एक बेटी थी हुसैनी, चल बसी बेचारी, ये बिल्कुल उसी की तरह है, नाम भी कितना मिलता जुलता है। हुसैनी बेटी, आज तो तुम हमारी हुसैनी, हम तुम्हें उसी नाम से पुकारते। तुम तन्नु के साथ यही रहोगी, संगीत सीखोगी। सीखोगी ना बेटी? छुट्टन, इन दोनों बच्चों को राजा मानसिंह की संगीत शाला में ले जा और वहां उस्ताद बख्शू से कहकर इनके वहां रहने और संगीत सीखने का इंतजाम करा दो। जाओ भाई, जाओ। मैंने तो उल्टे मना किया था मुकुंद को कि क्यों साधु संतों के कहने में आकर अपने होनहार लड़के का जीवन बिगाड़ रहा है, परंतु चाचा वो नहीं माना और जाते जाते मेरी हंसा को भी लेता गया ताकि उसके लड़के के साथ कोई खेलने वाला मिल जाए। क्यों झूठ बोलकर लोगों को भड़का रहे हो धरनी धर? चाचा, मैं अपनी मर्जी से तन्नू को लेकर ग्वालियर गया था और इसने अपनी मर्जी से हंसा को मेरे साथ भेजा। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। तुमने हमसे आज्ञा लिए बगैर वहां जाने की हिम्मत कैसे की? मैं स्वामी हरिदास की आज्ञा को आपकी आज्ञा से बहुत बड़ी समझता हूँ। ग्वालियर जाकर दो कुटुंबों का धर्म भ्रष्ट किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने वहां जाकर कोई अपराध नहीं किया, अपने बेटे का भविष्य सुधारने के लिए उसे वहां ले जाना बहुत जरूरी था। यह पंचायत का अपमान कर रहा है, इसका मुंह बंद किया जाना चाहिए। मैं किसी के अन्याय के सामने झुकने वाला नहीं। पहले पंचायत का हुक्म सुन लो। मैं उस अन्यायी पंचायत की एक बात भी सुनना नहीं चाहता जो साधु संतों का अक्षत कर। न्याय अन्याय तू हमें सिखाएगा? अच्छी बात से सुन ले, जाति ने तेरा बहिष्कार किया है और इस गांव से निकाला जाता है, इसी समय मुंह काला कर। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैं गांव से हरगिज़ नहीं जा तंजू की माँ, तंजू की माँ, तंजू की माँ, तंजू की माँ, ये क्या हो गया तुमने? अरे जाओ ग्वालियर से कोई तन्नू को तो बुला लाओ। जा रहा हूँ चाचा। मैं क्या करूँ बापू? रो नहीं बेटा, भगवान जो चाहता है वही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। नहीं बापू, जिसने आपकी हालत की है, माँ को मारा, मैं उसे जरूर बदला लूंगा। बताइए वो कौन था बापू? वो अपना भाग ही था बेटा, पिछली बातें भूल जाओ और संगीत सीखने में मन लगाओ। माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत बड़ा। टूट गई, टूट गई, टूट गई मेरी मन की वीणा, टूट गई, टूट गई मेरी मन की वीणा, टूट गई।
मधुर संगीत सुनाओ, मधुर मधुर संगीत सुनाओ, गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ रे, मधुर मधुर संगीत सुनाओ, झनन झनन सुर बजे बीन के, झनन झनन सुर बजे बीन के, तार तार संग करे रंग रलिया, मधुर मधुर संगीत सुनाओ, गाओ रे गाओ रे गाओ रे। बेटा तन्नू, अब तुम संगीत के फन में काफी आगे बढ़ चुके हो। सारी संगीत शाला तुम्हारे संगीत की तारीफ कर रही है। अब तुम्हें कहाँ जाना है याद है ना? नहीं बाबा, आपको छोड़कर मैं और कहाँ जाऊंगा? नहीं बेटे, तुम हमारे पास स्वामी हरिदास की अमानत हो। वृंदावन से तुम्हारे लिए उनका बुलावा आ गया है बाबा। अब तुम्हें वहीं जाना होगा बेटे। बाबा तन्नू, बाबा यार अगर तन्नू संगीत नहीं सीख सकता? नहीं बेटी, स्वामी हरिदास के पास रहकर ये पूरा संगीतकार बनेगा। फिर मैं? तुम मेरे पास रहोगी बेटी। तन्नू जा, जाने की तैयारी करो। जीवन को गीत गान, साथ साथ जैसे दान, अर्थम पर लैसे मान, अर्पण प्रभु आगे, अर्पण प्रभु आगे, अर्पण प्रभु आगे, सत्य सूरन वीर राम। गुरुर् ब्रह्मा पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बेटा तन्नू, अब रागों का वर्णन करो। राग वर्णत शास्त्र मत, गुणी जन बखानत ज्ञान से। राग वर्णत शास्त्र मत, गुणी जन बखानत ज्ञान से। भैरव प्रथम शांत रस जाते, राग भैरव प्रथम शांत रस जाते, शंकर को प्रिय नागेश्वर मधुर वाते, निसगम पद निस सनिदाता मगर रे सदा। भैरव प्रथम शांत रस जाके, राग भैरव प्रथम, राग भैरव प्रथम, एघ मल्हार सब पुनियन बखाने, एघ मल्हार सब पुनियन बखाने, सरे मम बनी पनी सरे मद ससा पपनी मप, मेघ मल्हार सब, मेघ मल्हार सब दुनियन बखाने, सरे मम बनी पनी सरे मद ससा पपनी मप, रे मद ससा पपनी मप, रे मद ससा पपनी मप, मेघ मल्हार सब दुनियन बखाने। धन्य हो तन्नू, आज तुमने अपने संगीत से गुरु और गोविंद दोनों को प्रसन्न कर लिया।
आगे बढ़ो, प्रणाम करो मुरलीधर गोविंद को, जिनकी कृपा से आज तुम इतने अच्छे संगीतकार बन सके हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। किसके ख्याल में खोई हुई हो? अरे ख्यालों में नहीं, किसी की रागनी में खोई हुई है, यूं कहो। ब्रिजवासी तन्नू की मुरली की तान सुनकर सुदबुद खो बैठी है। आज तुम लोग मेरे ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? हुसैनी, हुसैनी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। परदेसी घर आए के रह रह करे विचार, पहले किसका नाम लूं किसकी करूं पुकार। Thank you.
पवन संगीत हमारी धड़कन का बदली बदली दुनिया है मेरी जादू है ये क्या तेरे नैनन का बदली बदली दुनिया है मेरी। तुम आ गए बेटा तन्नू। आज सवेरे मैंने हुसैनी से कहा था कि अब तन्नू को आना ही चाहिए और तुम आ गए। पक्का खिलाड़ी है वो, बेटे के दिल की बात समझ गया। हुसैनी, तन्नू बड़ी दूर से आया है, उसके खाने पीने और आराम का बंदोबस्त नहीं करोगी बेटी? जी। आ बेटा तन्नू बैठ। इस पगली का भी ख्याल है ना, अब बड़ी हो गई, सोचा तुम दोनों को दुनियादारी के बंधन में बांध दो तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। इसे दिन रात तुम्हारा ख्याल रहता है बेटे, पर जबान पर एक बोल भी नहीं लाती, इसलिए पूछा, इसका भी ख्याल है ना? बाबा, मुझे तो संगीत का ख्याल करना चाहिए, अभी यही मंजिल बड़ी दूर है। सारी मंजिलें एक ही जगह पहुंचती हैं बेटे, मैं जानता हूं। अब तुम संगीत में माहिर हो चुके हो, अब तुम्हें सिर्फ एक सही जगह की जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही मिल जाएगी। आपका आशीर्वाद चाहिए। अल्लाह ने के बान है बेटे, जा अब तुम आराम करो। ये क्या, मैं आया और तुम जाने लगी? बाबा ने कहा है आप बहुत दूर से आए हैं, थके हुए हैं, आपको आराम चाहिए। तुम्हारे बगैर आराम कैसा है था? मेरे बगैर क्या, इतने दिन आपका आराम नहीं मिला, यहाँ इतने बड़े संगीतकार बन गए। तुम्ही ने तो बनाया है आज जो कुछ मैं हूँ। तुम्हारे न होने से जो बेचैनी मिली वही मेरे गले से संगीत बन के निकली। बस बस बहुत बातें ना बनाइए, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर खुद वृंदावन जा बसे। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ मुझ पर क्या बीते? क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी? ये मजाक की बात नहीं है तनु, ये मेरी आन का, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत का सवाल है। शेखू से बधी हुई शर्त, मैं किसी भी शर्त पर हारना नहीं चाहती। शेखू? कौन शेखू? ओ, नायक बक्षु का भांजा, लेकिन उससे शर्त कैसी? मैं शेखू से शर्त लगा चुकी हूँ, आपका और उसका ईरानी संगीत में मुकाबला होगा और जो हारेगा उसका सपने में भी ख्याल न करूंगी। पर ईरानी संगीत तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, और हंसा अपने आप को दांव पर लगाने से पहले कुछ सोच तो लिया होता। आपको इतनी घबराहट ईरानी संगीत से हो रही है या उस शर्त से? संगीत तो सभी मेरे लिए समान है हंसा, और जब उसे तुम्हारे विश्वास का सहारा मिलेगा तो वो महान होकर ही रहेगा। ओ, 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 ओ,
वक्त एक दिल तेरी मौजूदगी महसूस करता है के आंखों से तो तेरी पर्दा सामानी नहीं जाती। माना के खुदाई का तेरी दिल को यकीन है, माना के खुदाई का तेरी दिल को यकीन है, पर आंख है उलझन में के तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है, पर आंख है उलझन में के तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है। माना के खुदाई का तेरी दिल को यकीन है, पर आप है उलझन में के तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है। मौजूद है तू कैसे नहीं है, आंखों को यकीन हो ना हो दिल को तो यकीन है, तू कैसे नहीं है, तू कैसे नहीं है। हर चीज में मौजूद है तू कैसे नहीं है, आंखों को यकीन हो ना हो दिल को तो यकीन है, तू कैसे नहीं है, तू कैसे नहीं है। दिल की बातें दिल ही जाने, आँख तो जो देखे वो माने, दिन का रात और रात को दिन भे देखे तो कोई ना जाने, आँख तो जो देखे वो माने, आँख तो जो देखे वो माने। क्या चीज और ये आत्मा क्या चीज है, इस शरीर इस जिस्म में आखिर ये जान क्या चीज है। देख सकती है अगर आंखें तो दिखलाए कोई, शर्त इतनी है कि वे देखे न मनवाए कोई, और अगर जो देख सकता हो न अपनी रूह को, फिर तुझे भी देखने जैसी नजर लाए कोई। आंखों को यकीन हो ना हो दिल को तो यकीन है, आंखों को यकीन हो ना हो दिल को तो यकीन है, हर चीज में मौजूद है तू कैसे नहीं है, तू कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, हर चीज में मौजूद है तू कैसे नहीं है, तू कैसे नहीं है, तू कैसे नहीं है। आंखों में नूर, आंखों में नूर, दिल का सुरूर, नजदीक दूर तुम हो जरूर, तुम हो जरूर, तुम हो जरूर, फूलों के रंग कोमल से अंग, उड़ते पतंग करते हैं दंग, उड़ते पतंग करते हैं दंग, बुत का जमाल, बुत का जमाल, तेरा ख्याल अदना कमाल है बेमिसाल, है बेमिसाल, है बेमिसाल, जलवे तेरे बिखरे हुए हर रूप में हर रंग में, जलवे तेरे बिखरे हुए हर रूप में हर रंग में, हर सिमत तू हर शय में तू है, तू ही तू है, तू ही तू, हर सिमत तू हर शय में तू है, तू ही 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 तू
शेखू बेटा, मैदान छोड़कर भाग आना तो वाकई एक गलत बात है। और फिर तंजू तुम्हारा साथी है, तुम्हारा भाई है, उसकी जीत में तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हाँ, दिल का मलाल निकाल कर एक दूसरे के गले मिलो, गले मिलो शेखू बेटा। चलो शेखू। अरे जाते कहां हो तन्नू? तुम्हारी जीत की खुशी के साथ साथ हमारे पास तुम्हारे लिए एक और भी खुशखबर है। जी ये सौगात देखते हो ना, जानते हो ये किसके लिए? सौगात? ये सौगात रीवा के राजा रामचंद्र ने तुम्हारे लिए भेजी है। उन्होंने अपने दरबार का राज गायक बनाकर तुम्हें वहां बुलाया है। तुम आज ही वहां रवाना हो जाओ। शेखू जी, तन्नू के साथ तुम्हें भी रीवा जाना होगा, ताकि तन्नू को एक नई जगह में अकेलापन महसूस न हो। जी, मगर बाबा मैं तुम्हारे दिल की उलझन को खूब समझता हूं तन्नू। मुझे भी उस दिन का तेजी से इंतजार है। वक्त आने पर मैं तुम्हें शादी के लिए फौरन बुलवा भेजूंगा। शेखू मोहन जी, जाओ, जाने की तैयारी करो। खुदा हाफ। हंसा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। दिल छोटा ना करो हंसा, मैं रीवा से फौरन लौटाऊंगा, इतनी जल्दी कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। सच कह रहे हो, वहां जाकर मुझे भूल तो ना जाओगे। वहां तुम्हें राजा मिलेंगे, राज दरबार मिलेगा, और फिर जाने क्या क्या। क्या वहां तो मेरे पास नहीं होगी हंसा? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे रोम रोम में बसी हुई हो, मेरी हर कल्पना में, मेरी हर रागनी में बसी हुई हो। तनु तुमसे दूर रहकर जिंदा रह सकता है, अलग होकर नहीं। क्या तुम्हें अपने तनु की इस बात पर विश्वास नहीं? बताओ तो फिर हंसकर बिता दो, मुस्कुरा कर कहो कि मैं जा सकता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। तनु आया। आया मोहन। आज रीवा के लिए बड़े ही गर्व की बात कि हम सब संगीतकार तनु मिश्र का स्वागत करने के लिए यहां जमा हुए। तनु मिश्र का नाम देश में किसी से छिपा नहीं। इन्हीं तनु मिश्र को हम आपके साथ मिलकर प्राण फैन की उपाधि देते। कहिए संगीत शिरोमणि तानसेन की। आज से तनु मिश्र की उपाधि ही नहीं बल्कि इनका नाम भी तानसेन रहेगा। कहिए संगीत शिरोमणि तानसेन की। आज के इस शुभ अवसर पर ओरछा के महाराजा इंद्रजीत की प्रमुख राजनर्तकी राय प्रवीण संगीत शिरोमणि तानसेन के संगीत की लय पर अपना श्रेष्ठ नृत्य दिखाएंगे। Shanta Dha, Shanta Dha, Shanta Dha, Shanta Dha, Na 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 Na
नार गुरु कन नन न कबिया नार गुरु कन नन न कन न गुरुम कनो कनो कन नृत्री शांत 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 कन नन न कबिया नार गुरु कन नन न कबिया नार गुरु कन नन न कन न गुरुम कनो कनो कन नृत्री शांत 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 सरे मधा सधा रे पानी धन पमा जन समा जन नन न कबियनारे त्रिकू जन नन न कबियनारे त्रिकू जन नन जन न त्रिकू सनो सनो जन न त्रिक शांत धा शांत धा शांत धा धान धा धान धा करगिन धा धान धा धान धा करगिन धा भगत दिन भगत दिन भगत दिन धा जो दिन थे शांत धा सत थे सत थे शांत धा सत थे सत थे शांत धा सत थे सत थे शांत धा शांत धा शांत धा सन नन न कबिय नारे त्रिकू सन नन न कबिय नारे त्रिकू सन नन न सन न त्रिकू सनो सनो सन न त्रिकू शांत धा शांत धा शांत धा शांत धा शांत धा शांत धा trick 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 chum chana na 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 chai ghata trick 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 chum chana na 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 chai ghata sagan kunj ali kunj sang ali kunj manohar sagan kunj ali kunj sang ali kunj manohar madmati muskati itlati rasrati madmati muskati itlati rasrati manjul mrig savak maral shuk pit kapot ke hari lajati manjul mrig savak maral shuk pit kapot ke hari lajati ang vasan mridu hasan dasan damini sihati ang vasan mridu hasan dasan damini sihati नूपुर झनकार चार चुम चमक चमक काम थे काम थे काम थे काम कांत था कांत था कांत था पाम ग पाम ग पा गम पद निदनि पाप निदनि पाप म गम सावनि दनि पाम मग पम सनि ग था मा पा दनि सा गा मा पा दनि सा गा मा पा दनि सा संगीत शिरोमणि तानसेन की जय तानसेन की जय तानसेन की जय साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो अगर सुनना ही चाहती हो तो सुनो सैनी वो अब तन्नू नहीं रहा तानसेन बन गया रीमा के राजा रामचंद्र ने उसका नाम बदल दिया उसकी दुनिया बदल दी और उस नई दुनिया की बहस्त में उसे एक हुस्न की परी भी मिल गई नृत्य की राय परवीन जो तानसेन के एक एक सुर पर नाचती है जिसके नाच के एक एक अंदाज ने तानसेन को अपनी पुरानी दुनिया भुलाकर एक नई दुनिया में पहुंचा दिया शेखू अब तन्नू के ख्वाब देखना छोड़ दो हुसैन वो तुम्हारी दुनिया से निकलकर एक दूसरी दुनिया में चला गया है वो तुम्हारे लिए मर चुका है और तुम उसके लिए नहीं, नहीं। बाबा 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 शेखू अभी अभी रीवा से आया है न जाने क्या क्या बक रहा है उनके बारे में क्या वो सच कह रहा है उसकी बातें सुनकर दिल भर आया है बेटी
शेखों की बातों पर मत जाओ, तन्नु की बातें करो, वो तो वहां बहुत खुश है। बेटी, आज मुझे तेरा वो राधा वाला गीत बार बार याद आ रहा है जो तू बचपन में सुनाया करती थी। सुनाओ तो, जब वो नटखट कन्हैया कई दिनों तक नहीं आए तब क्या कहा था दुखिया राधा ने? क्या वो जिंदगी भर उसे यूं ही परेशान करता रहेगा? नहीं, वो नटखट जरूर है पर निर्दयी नहीं, यही कहा था ना राधा ने? जालिम की भेंट को अब आपको स्वीकार करना ही होगा। उठो राय प्रवीण, तुम कलाकार हो, क्या मुझे यह भी समझाना होगा कि तुम मेरे लिए क्या हो? नहीं, मैं जानती हूं, मेरा दिल जानता है कि आप मेरे लिए सब कुछ है। होश में आओ राय प्रवीण, तुम जैसे समझदार कलाकार को समझाने की जरूरत नहीं। शिष्या गुरु के लिए बेटी की तरह होती है, बहन की तरह होती है। आपने मुझे बहुत बड़े बहन में गिनने को बचा लिया। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि आप इतने ऊंचे हो सकते हैं। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है राय प्रवीण। मुझ गिरती हुई को बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार मुझ पर किया।
डांट से आपकी ये छोटी बहन यही कोशिश करती रहेगी कि आपका नाम और रोशन हो। मुझे माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि आपसे जो कुछ मैंने सीखा है उसे भूल ना जाऊं। खुश रहो राय प्रवीण, और से जाकर महाराज से कहना कि तानसेन उनके हर चला मालूम होता है रीवा के राजा रामचंद्र ने मां बदौलत के दोस्ताना मुतालबे को मंजूर नहीं किया, वरना दरबार में अब तक संगीत रतन की जगह खाली नजर ना आती। शायद उन्हें यह गलत फहमी है कि मां बदौलत अपने इरादों को मुल्क भी फरमा लेंगे। माज अल्लाह, शहनशाह आली कदर के इरादों के मुतालिक ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। रीवा के राजा की तरफ से आया हुआ जवाब हुजूर आली की खिदमत में खादिम पेश कर चुका है, उन्होंने बड़ी मिन्नत से इल्तिजा की है। गुजरी हुई बातें तो दोहराई न जाए, मां बदौलत ने तानसेन का मुतालबा किया था, अगर उसे पूरा करने के लिए कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जाता तो तानसेन अब तक दरबार में पेश हो चुके होते, मगर अब ऐसा ही करना होगा। मनसबदार जलाल कुरैशी, संगीत रतन तानसेन को दरबार आली में पेश करने की खिदमत तुम्हारे सिपुर्द की जाती है। जहे नसीब बंदगाने आली, अगर तुम्हें अपने मकसद के पूरा करने में किसी ताकत की जरूरत महसूस हो तो उसका भी इख्तियार दिया जाता है। ऐसा ही होगा आलम पना, लेकिन ख्याल रहे किसी पर जबर और सख्ती करना मां बदौलत का मकसद हरगिज नहीं है, मगर अब यह सवाल सिर्फ शहनशाह की मर्जी का ही सवाल नहीं रहा, यह हिंदुस्तान के हर दिल अजीज व मकबूल आम दरबार की शान का सवाल बन गया है। संगीत शिरोमणि तानसेन जी की जय। महाराज, आप ही की कृपा और आश्रय में रहकर मैंने ये संगीत सार ग्रंथ तैयार किया है। अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार संगीत के विषय में जो कुछ भी मैं जानता हूं वो इसमें है। आज आप ही की वस्तु मैं आप ही को अर्पित कर रहा हूं। ये साधारण वस्तु नहीं तानसेन जी, संगीत का एक अमर ग्रंथ है, इससे दुनिया संगीत का असली भेद जानेगी और आपको सदियों तक याद करेगी। ये हमारे लिए शुभ अवसर है और इसी शुभ अवसर पर हम आपको एक शुभ समाचार भी देना चाहते हैं। ग्वालियर से गौस बाबा ने हम सबको आपकी शादी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। वहां सब तैयारियां हो चुकी, शादी के लिए आने वाली पूनम का दिन तय हुआ है, आप शीघ्र वहां रवाना हो जाइए, हम भी समय पर पहुंच जाएंगे। महामंत्री, हमारे खजाने से बढ़िया गहने जवाहरात और पोशाक हमारे राजगायक और उनकी दुल्हन के लिए भेजने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराजा की जय हो। शहंशाह अकबर के सिपहसालार जलाल खान कुरैशी आपके दर्शन चाहते हैं। आने दो। आइए सिपहसालार जलाल खान, तशरीफ रखिए। हम आखिरी बार शहंशाह का पैगाम लेकर आए हैं कि आप अपने दरबारी मौसीकार तानसेन को अकबरी दरबार का नवरत्न बनने के लिए फौरन भेज दें। आखिरी बार का मतलब, हम पहले बादशाह से निवेदन कर चुके हैं कि तानसेन जी को यहां से भेजना हमारे लिए संभव नहीं। तो फिर इस बात का फैसला मैदान जंग में करना होगा, आखिरी बार का यही मतलब है। कुरैशी, अगर अकबर बादशाह ने यही ठान ली है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम किसी के हुक्म के पाबंद नहीं। तानसेन जी रिवा छोड़कर नहीं जाएंगे। राजा साहब, ये कहने से पहले एक बार आप शहनशाह से लड़ाई मोल लेने का मतलब क्या है? शहनशाह की जिद से सारा हिंदुस्तान वाकिफ है, तानसेन हर हाल में एक हफ्ते के अंदर शाही दरबार में होंगे। ऐसी धमकियां हमने बहुत सुनी और उनका मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं। ये हमारे देश का बड़प्पन है कि इतने अपमान के बाद भी आप यहां से सही सलामत जा रहे हैं। अगर कोई और जगह होती तो। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझ जैसे मामूली आदमी के लिए। तानसेन जी, ये हमारी आन बान का सवाल है और आप किसी तरह भी मामूली आदमी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराज कि संगीत और युद्ध का कैसा मुकाबला मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए
हजारों निर्दोष मनुष्यों के प्राण जाएं, ये नहीं हो सकता महाराज। तो आप खुद ये चाहते हैं कि हम आपको अकबर के दरबार में भेज दें? आप मुझे गलत न समझे महाराज, यहां से दूर जाने की कल्पना से ही मेरा हृदय बैठा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और चारा ही क्या? अगर यहां सुख शांति रही तो मैं फिर कभी भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, और अगर युद्ध की आग भड़क उठी तो फिर सर्वनाश हो जाएगा, सबके साथ संगीत भी भस्म हो जाएगा, तब न मैं रहूंगा और न मेरा। नहीं नहीं दर्शन जी, ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ गया, हमारे लिए अब यही रास्ता रह गया। तानसेन जी, हमारी और रेवा की प्रजा की शुभकामनाएं आपके साथ है। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो स्थान मेरे हृदय में है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। मैं आपसे कितना ही दूर रहूं, जब भी आप याद करेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मोहन, गौस बाबा से कहना कि मैं जिंदगी में इतना मजबूर कभी नहीं हुआ, उनसे कहना मेरे लिए दुआ करें। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए। संगीत शिरोमणि तानसेन की जय। सोचने ना पड़ो हंसा रानी जी, अब कुछ ही पलों की देर है प्रिया से मिलने में। लो आ गए ना होठों पे हंसी, इसे कहते हैं मिलन की खुशी। अरे अभी से क्यों मजाक उड़ाती, तुम भी बड़ी हो, न उसे सोचने देती हो न हंसने देती हो, क्यों ठीक है ना हंसा? आज दुल्हन जो बनी है जो कुछ करेंगे सब ठीक ही होगा। अरे वो वृंदावन का ब्रह्मचारी आया है, मालूम होता है तन्नू भैया के आए। कौन वो मोहन, कहाँ है? क्या बात है मोहन? अरे ये दोस्त की शादी में रोने सूरत क्यों बना रखी है ब्रह्मचारी जी? चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। तन्नू भैया नहीं आए। बात क्या है, कब आ रहे हैं? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। मालूम नहीं आएंगे भैया नहीं, अकबर बादशाह ने उन्हें जबरदस्ती आगरा बुलवा लिया है। क्या कह रहे हो मोहन? चली हवा
सी हर के रह गया, एक हूँ सी उठी मैं सी हर के रह गया, दिल को अपने थाम के आह भर के रह गया, आह भर के रह गया, चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया, कोई झूमती चली हवा याद आ गया, कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया, कोई झूमती चली हवा याद आ गया, कोई तानसेन, हमें उस संगीत से महरूम न करो जो कि हमने जिंदगी में पहली बार सुना है। हमारी उस तड़प को तुमने और भी बढ़ा दिया है जो कि तुम्हारे इंतजार के पलों में हमें काफी तड़पा चुकी है। खुदा के वास्ते वो रागनी एक बार फिर छेड़ो संगीत के बादशाह, ताकि हमारा प्यासा दिल संगीत के रस से लबरेज हो जाए। ये बादशाह का हुक्म नहीं तानसेन, एक प्यासे इंसान की पुकार है। तानसेन जी, बादशाह सलामत से घबराने की कोई जरूरत नहीं। कलाकार के कोमल मन को कष्ट पहुंचाएं इतनी निष्ठुर ये नहीं, इस गलतफहमी को दिल से निकाल दीजिए। जहां पना मालूम होता है इन्हें यहाँ लाए जाने का गहरा सदमा पहुंचा है, इन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना ही ठीक होगा। जैसा आप ठीक समझे राजा जी, खुदा जानता है हमने सिर्फ संगीत की चाह की थी, किसी कलाकार का दिल दुखाने की नहीं। खैर, आप तानसेन को शाही महल में ठहराने का इंतजाम कीजिए। जलाल खान, तानसेन के आराम का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। शब्बू मियाँ, पता नहीं गब्बू मियाँ क्या गुल खिला रहे हैं। गब्बू मियाँ, तुम्हारे चेहरे पर यह हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? मारे गए उस्ताद, बिल्कुल मारे गए। आपकी बताई हुई सारी तरकीब आजमा डाली, मगर ये है कि टस से मस नहीं हुआ। पता नहीं उस्ताद, इस पर किसी का जादू चल गया है या ये मर्दूत खुद हम पर जादू चला रहा है। उस्ताद कौन सा राग वाला पता तुमने? जी जी जी, क्या कर रहे हो, कहीं सारंग की बजाय झंझूटी तो नहीं? सारंगी की कसम उस्ताद, सारंग को तो उसने बिल्कुल बदरंग कर दिया था, और झंझोटी, आये हाय हाय, झंझोटी को झंझोड़ के रख दिया था। मारे गए, मारे गए उस्ताद, बिल्कुल मारे गए। कम वक्त यूं टकटकी लगाकर देखता है कि आवाज कांपने लगती है। अच्छा ये तो बताओ कबूनिया, कि ये खामोशी और चुप्पी सचमुच की है या कोई ढोंग? मुझे तो दोनों ही बातें मालूम देती है उस्ताद, लेकिन अपन तो बिल्कुल मारे गए हैं। क्या मतलब, खामोश भी है और ढोंग भी कर रहा है? तब तो जरूर किसी पूछे हुए उस्ताद पर शादी मालूम होता है। चुप, आदाब अब्बा हुजूर। क्या बात है बेटी? अब्बा आलमपना की इस खामोशी और बेचैनी पर तमाम जानिसार बेचैन हो रहे हैं। आखिर ये तानसेन को क्या हो गया है? जब से महल में आया है न गाता है न रोता है, और आपके बेतमनानी का सबब बना हुआ है। नहीं नहीं बेटी, बल्कि हम खुद तानसेन की बेतमनानी का सबब बने हुए। ये महसूस होता है कि उन्हें यहाँ बुलाकर उन पर कोई ज्यादती हुई, इसीलिए वो गाना तो क्या, अपना रोना भी हमसे छुपा रहे हैं। बस इसी दुख ने हमें दुखी बना दिया है। अब्बा अली, शहंशाह का दुख सबका दुख होता है। अब अगर तानसेन आपके इस दुख को नहीं समझ सकता तो फनकार नहीं, क्योंकि एक फनकार जो दूसरों को खुश करके खुश रहना नहीं जानता वो फनकार नहीं, खुदगर्ज है। खुदगर्ज वो नहीं है बेटी, खुदगर्ज हम। हमने ये समझते हुए भी कि फनकार की एक अपनी दुनिया होती है,
और उसका वो खुद बादशाह होता, अपनी बादशाहत का सिक्का जमाने की कोशिश की। हमें तो यही अंदेशा है कि उसका फन कहीं उसकी खामोशी में ही गुम होकर न रह जाए। आप ये अंदेशा न फरमाए अब्बा हुजूर, तानसेन का संगीत आपके हुजूर में सोया नहीं रह सकता। बेटी, होश में आओ तानसेन, तुम्हारी ये खामोशी हिंदुस्तान के शहनशाह की शान में इंतहाई गुस्ताख से समझी जा सकती, जो किसी सूरत की काबिल माफी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अपने संगीतकार होने का सबूत ही देना है तो अब इसका यही तरीका है कि इसी वक्त शहनशाह हिंद के हुजूर में चलकर माफी मांगो और अपनी खामोशी को तोड़ दो, वरना बददिमागी की भी हद होती है, लेकिन तुम्हारी ये बददिमागी बदनसीबी की हद तक पहुंच चुकी। तुम अपनी मर्जी के खिलाफ यहां बुलाए जाने पर इस कदर दिमागी तवाजुन खो बैठे हो जो ये समझने लगे हो कि बादशाह ने कोई भूल की है। मगर सुन लो तानसेन, अगर बादशाह अगर संगीत की कदर करना जानते हैं तो साथ ही साथ उनका गुस्सा बड़े से बड़े मगरूर फनकार को खात में भी मिला सकता है। तनु से उसका संगीत छिन जा, वो फिर से गूंगा हो जा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शेखू, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है बाबा, मैं कितना ही उसका रकीब क्यों ना हूं, लेकिन तानसेन की इस खबर को सुनकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। अकबर बादशाह सारी कोशिशें करके हार चुके, उन्होंने ऐलान करवा दिया कि तानसेन बोलने की ताकत खो बैठा है, जो कोई उसे बुलवा लेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नहीं शेखू, ये झूठ है, सरासर झूठ है बाबा, ये शेखू की उड़ाई हुई अफवाह है। ये तनु की तरक्की नहीं देख सकता, ये उससे जलता है। तनु भले ही मुझे भूल जाए लेकिन उसका संगीत उसे हरगिज हरगिज नहीं छोड़ सकता। लेकिन शेखू, बेटी, शेखू मुझसे झूठ नहीं कहेगा, पर सब्र से काम ले। अगर ये अफवाह सच भी है तो हमारी दुआएं उसे झूठा साबित कर देंगी। उस्ताद फतेह खां साहब, कोई नई तरकीब सूझी? राजा जी, हम कोई बीरबल तो है नहीं जो वक्त बेवक्त तरकीबें ढूंढते फिरे। बेशक, लेकिन करें तो क्या करें, बादशाह सलामत का हुक्म जो ठहरा बजाय इन दस दिनों में ये ढूंगी तानसेन, अब तो इस नाम से ही चुराने लगे। जी लाहौल पढ़िए, ये नाम भी गलत है। तौबा कीजिए जी। राजा जी, इस फर्जी गवैये के सामने हमने कोई राग बाकी नहीं रखा, कोई रागनी हमसे नहीं बची। अजी एक भी नहीं बची। ये हमारे शागिर्द एक एक साल बजाने से बाद नहीं आए, पर उसके कान पर जूतक नहीं रहेंगी। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि इस मर्दूत का संगीत से दूर का भी वास्ता नहीं, वरना क्या मजा कि हम हिंडोल गए और ये हिल न उठे। उस्ताद जी, आपने तो एक ही सांस में सारा इतिहास उगल डाला, किंतु हमने ठीक ही सुना था कि गरजने वाले बरसते नहीं। जी जी, तो आपने कौन सा तीर मारा? बड़े गुनी है तो कोई कर्तव्य दिखाते, इस गवैये को राह रास पर लाते। राजा जी, अब हम चलते हैं, कोई नई तरकीब सोच निकालेंगे। क्यों दादी, क्यों दादी, बैठिए तो। तानसेन, हमारा दिल कहता है कि तुम एक सच्चे कलाकार हो। तुम कतई महसूस न करो कि तुमने यहां न गाकर कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है। गलती हमसे हुई है तानसेन, गुनाह हमने किया है और सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। आज से तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो।
मगर हम हमेशा तुम्हारी एक मधुर रागनी, तुम्हारी एक मीठी मुस्कुराहट के मुंतजर रहेंगे। हमारी सारी मजबूरियों और नाकामियों को अपने मीठे सुर की एक तान से फतह कर लिया। हमारे महलों के गमगीन माहौल में तुमने फिर से एक नई जान डाल दी है। हमारे दरबार के संगीत रत्न की कमी आज पूरी हो गई। तलब करो, क्या चाहती हो? हुजूर, ये इन्होंने आज तुम्हारे सामने हमें सुर्ख रू कर दिया है तानसेन। आज ये जो कुछ भी मांगे कम है। बैद भी माफ को महाबली, सेवक ने पहले ही पता लगा लिया है कि ये कौन है और कहां से आई है। हुजूर, तानसेन और हुसैनी बचपन के साथी हैं और गौस साहब इन दोनों को शादी के बंधन में बांधने ही वाले थे कि तानसेन जी यहां चले आए। अच्छा, तब तुम्हें सख्त अफसोस है। लेकिन राजा जी, हमें खुशी भी है कि तानसेन और खातून हुसैनी की शादी यहां कराने का मौका हमें मिलेगा। राजा जी, वजीर आला से कहकर पूरी शान और शौकत के साथ इनकी शादी का इंतजाम किया जाए। इधर आओ हुसैन, मां बदौलत की तरफ से ये तोहफा कबूल कर लो। लेकिन असली तोहफा तो ये तानसेन है जो हम तुम्हें जल्दी ही पेश करने वाले हैं। जी उस्ताद, इस लड़की ने अभी कौन सा राज आला पाता? जी, इस लड़की ने राज कौन सा? बुद्धू कहेंगे, इसने अभी झुटझुटी गाई थी। तुम झूठ बोलते हो। उस रोज उस मजदूर के सामने अगर तुम झुटझुटी गाते तो जरूर कुछ ना कुछ उगल देता। नारे गए उस्ताद,
देखता हूँ कि अभी दरबार में क्या गाएगा। तलवार लौट आए रे, तलवार लौट आए रे। आज मेरो जियरा क्यों न गाए, शुभ दिन दर्शन पाए, मितवा लौट आए रे। जिवला दे बुझाए कोई जागू, प्रीत की जोत जगाए। दिवला दे बुझाए कोई जादू, प्रीत की जोत जगाए। आए दी आए मुतवा लौट आए दी। चमके काहे बीज दिया, चमके काहे बीज दिया, गरज गरज धन किसको डराए। चमके काहे बीज दिया, गरज गरज धन किसको डराए। आए भी आए मुतवा लौट आए दी। आज मेरो जियरा क्यों न गाए, शुभ दिन दर्शन पाए, मितवा लौट आए दी। मितवा लौट आए, मितवा लौट आए दी, मितवा लौट आए दी, मितवा लौट आए दी, मितवा लौट आए दी। आज मेरो जियारा क्यों न गाए, शुभ दिन आए, मितवा 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 लौट आए दी, मितवा लौट आए दी। आज मेरो जियारा क्यों न गाए, क्यों न गाए, शुभ दिन दर्शन पाए, मितवा लौट आए, मितवा लौट आए, मितवा लौट आए। आफरीन सर, आफरीन। माँ बदौलत को आज यकीन हो गया कि ये अजीम और शान दरबार तुम्हारे बगैर वाकई बेरौनक था। इधर आओ संगीत रतन। मेरो जियरा क्यों न गाए, शुभ दिन दर्शन पाए, मितवा लौट आए रे। मितवा लौट आए, मितवा लौट आए रे, मितवा लौट आए रे, मितवा लौट आए रे, मितवा लौट आए दी। आज मेरो जियारा क्यों न गाए, शुभ दिन आए, मितवा 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 लौट आए दी, मितवा लौट आए दी। आज मेरो जियारा क्यों न गाए, क्यों न गाए, शुभ दिन दर्शन पाए, मितवा लौट आए, मितवा लौट आए, मितवा लौट आए। आफरीन सर, आफरीन। माँ बदौलत को आज यकीन हो गया कि ये अजीम और शान दरबार तुम्हारे बगैर वाकई बेरौनक था। इधर आओ संगीत रतन। आज हर बख्शीश और इनाम तुम्हारे फन के आगे कम है, मगर एक कद्र करने वाला दिल अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता। ये लो,
शहंशाह हिंदुस्तान। आफ्ताब मौसीकी संगीत रतन तानसेन। आफ्ताब मौसीकी संगीत रतन तानसेन। हाय किस्मत की कम नसीबी को सयाद क्या करे और सर पर गिरे पहाड़ तो फरियाद क्या करे। अरे किसी ने ठीक ही कहा था सब्बू मियां कि किसी के पीठ पर लात मारो तो किसी के पेट पर मत लात मारो। मजा है उस्ताद, अब तो रोजी जाती नजर आती है। क्या कहा? ये संगीत रतन दरबार के किसी भी गवैये को अब टिकना नहीं देगा। अजी रहने भी तो सब्बू मियां, मैंने कोई बाल धूप में सफेद नहीं किए। बात देखे ऐसे संगीत रतन, संगीत रतन मारे गए। चलो कपूमिया बतलाया कौन सा राग गया था तालचंद? अजी ऐसा बतलाया कि एकदम मारे गए। ऐसा बेदम राग न तो कभी हमने गाया और न कभी बजाया, और उस्ताद न कभी कानों से सुना और न कभी हजार बार समझाया कि सुना करो ज्यादा और बोला करो कम। हाँ तो कपूमिया क्या नाम रहा, क्या नाम था उस राग का? दरबारी कांगड़ा। कांगड़ा? कांगड़ा दरबारी कांगड़ा। ये नया कांगड़ा कहाँ से आया इन पक्का? बुजुर्गों के बताए हुए नए की कांगड़ा, काफी कांगड़ा, हुसैनी कांगड़ा, शाम कांगड़ा, सुहा कांगड़ा वगैरह वगैरह 17 कांगड़े तो यही जाने को याद है, मगर ये 18वां कांगड़ा कहाँ से आया पक्का? उस्ताद इस नए संगीत रतन का कहना है कि 18वां कांगड़ा खुद उसी की याद है। तो ये कोई पोचेरे शागिर्द का उस्ताद, इनके उस्ताद का शागिर्द मालूम होता है जो पुराने राग भी गाता है और नए राग भी याद करता है। दुनिया ये क्या कर रहे हो? तुम पर भी 18वें कांगड़े का भूत सवार हो गया क्या? जालिम ने क्या सुन लगाई है, बस लुत्फ आ गया। मैं दोबारे लौट उस्ताद मारे गए, अब तो मोटे मोटे गवैयों पर भी मितवा का रंग चढ़ने लग गया। हाँ उस्ताद, अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो दरबार में अपना नारा बारी बारी समझिए। बस रहने दो, अब तो कुछ न कुछ तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। होशियार। सचमुच में कितना खुशकिस्मत हूँ। वास बाबा सच कहते थे हंसा कि जब मिलती हैं तो सारी मंजिलें एक साथ ही मिल जाती। मुझे तुम मिल गई, मेरा संगीत मिल गया और उसकी जगह भी मिल गई। तानसेन जी, कोई आपको मिलने आया है। कौन आया है? नाम तो नहीं बताया लेकिन राजकुमारी से लगती है, कहती है ओरछा से आई है। ओरछा से? ओ राय प्रवीण होगी, लेकिन इस वक्त यहाँ कैसे? अच्छा मैं देखता हूँ। ओ राय प्रवीण। प्रणाम सगे सम्राट, मुझे अचानक देखकर आपको जरूर अचरज हुआ होगा। हाँ राय प्रवीण, इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? आपके दर्शन करने। तुम्हारी बातें हमेशा पहली हुआ करती हैं, लेकिन मैं इस वक्त ना ना संगीत सम्राट, ऐसी कोई पहली वेली नहीं। मैं आपसे अपने प्रेम की भीख मांगने आई हूँ। प्रेम की भीख मांगने आई हो? देखो तुम फिर पहलियां बजा रही हो। साफ साफ बताओ रहे तो इन बात क्या है? अकबर बादशाह ने मेरे स्वामी को मुझसे छीनने की ठानी है। किसे? ओरछा के महाराज इंद्रजीत को? क्या बादशाह उन्हें यहाँ बुलवाना चाहते हैं? नहीं, वो उन पर किसी वजह से नाराज है, उनसे भारी जुर्माना वसूल करना चाहते हैं और महाराज किसी हालत में जुर्माना देना नहीं चाहते। मुझे डर है कि कहीं बादशाह से लड़ाई ना छिड़ जाए। ये तो गलत होगा राय प्रवीण, बादशाह से लड़ाई हुई तो तबाही समझो, मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप चाहें तो बादशाह को समझा सकते हैं। मैं भला बादशाह को इन मामलों में क्या सलाह दे सकता? और फिर ये मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरी खातिर ये करना ही होगा। ये महाराज की और मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आओ आओ शेखू भैया। मैं ना तन्नू और हुसैनी कहाँ है? पहले ये बता ग्वालियर में सब कुशल तो है ना? हुसैनी हुसैनी ये शेखू अब पहले वाला शेखू नहीं रहा। तन्नू की इस बुलंदी पर मुझे नाज है, अब तो मेरे लिए सिर्फ हुसैनी नहीं बल्कि हुसैनी बहन हो। शेखू। हाँ हुसैनी बहन, मुझे माफ कर दो। खास बाबा कैसे हैं शेखू? तन्नू कहाँ है? क्यों क्या बात है? गौस बाबा सख्त बीमार है हुसैन, वो तुम दोनों को देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं।
खुदा ना करे कहीं ये उनका आखिरी वक्त ना। क्या कह रहे हो शेखू? तुम अंदर जाकर बैठो, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। चलो भैया, बादशाह सलामत ने आपको फौरन दीवाने खास में याद फरमाया है। अच्छा, तुम चलो, मैं अभी पहुंचता हूँ। राय प्रवीण, तुम आराम करो, मैं शहनशाह के हुजूर में तुम्हारी बात रखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सुनिए, ग्वालियर से शेखू आया है गौस बाबा का पैगाम लेकर। क्यों, क्या बात है? मगर बादशाह सलामत ने मुझे याद फरमाया है। लेकिन गौस बाबा सख्त बीमार है, वो हम दोनों को देखना चाहते हैं। लेकिन हंसा, हम लोग इस वक्त कैसे जा सकते हैं? और हंसा, ये है राय प्रवीण, जिनका मैं हमेशा तुमसे जिक्र किया करता था। तुम जरा इनका ख्याल रखना, मैं अभी आया। हमने आपको इसीलिए याद किया है मियां तानसेन। ये तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे दरबार में हर किस्म के फनकार मौजूद हैं, सिर्फ एक रक्स के ही फनकार की कमी महसूस हो रही है। और हमारा ख्याल है ये कमी अब आपके ही हाथों पूरी हो सकती है, अगर आप राय प्रवीण को इसके लिए राजी कर सकें। मैं, मुझे, हम समझते हैं आपको कोई उज्र न होना चाहिए। नहीं नहीं आलीजा, राय प्रवीण को राजी करके मुझे खुशी होगी, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा बंद गाने वाली। राय प्रवीण, वहां तो बाजी ही पलट गई। शहनशाह कुछ और ही चाहते हैं, जो मैं भी नहीं चाहता और तुम भी नहीं चाहते। अनीता, तुम आप चौंक क्यों गए? क्या कोई राज खुल गया? ये आज कैसी बातें कर रही हो? राय प्रवीण कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वही होगी जहाँ आप उसे छोड़ गए होंगे। तुमने अब तक उनकी कोई खातिर तवाजो नहीं की? तुम्हें समझना चाहिए कि वो हमारी मेहमान है, उनके आराम वगैरह का तुम्हें पूरा बंदोबस्त करना चाहिए था। जो कुछ करना है आप खुद कीजिए। हंसा बहन, क्या बात है तानसेन जी? कुछ नहीं, चलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात क्या हुई? बात बहुत गंभीर है राय प्रवीण, बादशाह तुमसे कुछ और चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो हमसा? सुनो ना, इस नर्तकी के पीछे ये सब कुछ भूल गए, उन बॉस बाबा को भूल गए जिन्होंने हमें पाला पोसा और आज इस लायक बनाया। ये भी भूल गए कि वो सख्त बीमार है और हमें याद करते हैं। नैना, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं नहीं हंसा, ऐसी बात नहीं है। तानसेन जी सचमुच आज परेशान मालूम होता है। ठहरो, मैं उन्हें आगे बुलाती हूँ। ये नहीं हो सकता है, हरगिज नहीं हो सकता। मैं जिंदगी भर के लिए गुलाम बनकर रहना नहीं चाहती। इससे तो यही अच्छा होगा कि जैसे मैं यहाँ आई हूँ वैसे चुपचाप यहाँ से भाग जाऊँ। शाही हुकूमत की निगाह तुम पर है, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा पाओगी, और अगर तुम चली भी गई तो इसका इल्जाम मुझ पर आएगा। क्या ये तुम चाहती हो? नहीं, मैं अपने कारण आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन और उपाय भी क्या है? अब तो बस एक ही तरीका है, और वो ये कि तुम शाही दरबार में अपना अच्छे से अच्छा नृत्य दिखाकर शहनशाह और दरबारियों को लाजवाब कर दो। अगर उन्हें मेरा नृत्य दिखाया गया तो मुझे किसी हालत में भी नहीं जाने देंगे। मुझे शाही रक्कासा बनाने के फरमान पर फिर तो शाही मुहर लग जाएगी। नहीं राय प्रवीण, तुम्हारे छुटकारे का सिर्फ एक यही तरीका है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ तुम्हें और क्या करना होगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं।
राजा जी, ये कैसी पहेली पेश की गई है हमारे सामने? गुस्ताखी माफ हो जहां पना, राय प्रवीण के अंदर से ज्यादा इनके हौसले की दाद दी जानी चाहिए। हम इस दोहे के मतलब की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। महाबली, ये जुर्रत मैं नहीं कर सकता। जूठी पत्तल भिखारी कौवे और कुत्ते को ही अपनी तरफ खींचती है, इसमें मतलब की गहराई क्या हो सकती है जहांपना? राय प्रवीण, इस दरबार में फन और हौसले की कद्र होकर रहेगी। वजीर आला महाराजा इंद्रजीत के जुर्माने का हुक्म मनसूख कर दिया जाए। मियां तानसेन, राय प्रवीण को हमारी बंदिशों से आजाद समझा जाए। महाबली की जय हो। जय हो। शहंशाह हिंदुस्तान। जूठी पातल बखत क्यों? अजी गब्बू मियां, अजी उस्ताद, तुम्हारे वालिद बुजुर्गवान तो संस्कृत के बड़े पंडित थे। सही है उस्ताद, तुम चुप रहो जी। हजार बार समझाया कि सुनो, ज्यादा बोलो कब बताओ उस्ताद। हाँ तो गब्बू मियां, ये तो बताओ कि जूठी पातल बखत है का क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है उस्ताद। जूठी पत्तल और झूठे भिखारी बखत आते, ये तो बिल्कुल ने भी समझाया था। मैं पूछता हूँ, पातल झूठी क्यों? जी क्यों? तुम चुप रहो जी। पत्तल रक्कासा उस्ताद, 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 बस उस रक्कासा को इसी बात पर तो आलम पराने दरबार में परा ली थी। हाँ। और वो वापस ओरछा चली गई। हाय शब्बू मियां, वो वापस क्या गई? हमारे जिगर में नश्तर चुभ गई। क्या बात है उस्ताद, बरसों के इंतजार के बाद एक खूबसूरत रक्कासा दरबार में आई। सोचा कि बुढ़ापे के दिन हंस खेल कर कट जाएंगे, मगर वही किस्मत, वो परी की तरह छम से आई और छम से चली गई। हाय किस्मत की कम नसीबी को सयाद क्या करे, सिर पर गिरा पहाड़ तो फरियाद क्या करे। भारत भारत रायना हो गया। सुनोगी ये खुशखबरी सुनी तुमने? शहंशाह ने राय प्रवीण को आजाद कर दिया। हंसा, उधर आप दरबार में गए और इधर हंसा रेल ले जाने कहां चली गई? हमने सारा शहर छान मारा मगर हमका कहीं पता न चला। बात क्या हुई? कुछ कहा था सर? मैं ना कहूंगी, वो भी उन्हीं के साथ चली गई। तो अच्छी तरह जानता हूं, वो आसानी से ऐसा कदम नहीं उठा सकती। जरूर उसे हमारे बारे में गलतफहमी हो गई। शायद आपकी बात सही, मैंने उसे कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने की धमकी, मैंने हंसा की मुश्किलों पर ध्यान ही नहीं दिया। इस गलती पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। बताइए, इस अपराध के प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूँ? हंसा गौस बाबा के पास ग्वाले ही गई हो। मुझे ये भी ख्याल लगा कि गौस बाबा सख्त बीमार है और उन्होंने मुझे याद किया है, मुझे वहीं जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं रात में, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, तुम यहीं ठहरो। अच्छा, लेकिन जब तक मैं मिलकर उनसे माफी नहीं मांग लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप विश्वास रखिए, मैं ये गलतफहमी मिटाकर ही रहूंगी। हंसा बहन को मानना ही होगा कि मैंने आपसे सिवा संगीत के सहारे के और कुछ नहीं चाहा और कुछ नहीं चाहा। शेखो, गौस बाबा कहाँ हैं? बाबा बाबा बाबा, शेखो हंसा कहाँ है तुम्हें मालूम है?
मुझे छोड़कर वो और कहां जा सकती है। मैं आया था उससे ये पूछने कि अपने तन्नु को छोड़कर वो क्यों चली है। शेखू, शेखू, वो तुम्हें मिले तो तुम उससे कहना कि तुम्हारा तन्नु तुम्हें खोकर किसी को न पा सकेगा, बल खुद अपनी सबूत खो बैठेगा। शेखू, हंसा के बगैर मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। शेखू, मैं आपकी सेवा में रहकर संगीत कला में प्रवीण होना चाहती हूँ। तन्नु को तो प्रभु का वरदान मिला है बेटी, उसे कौन भरमा सकता है। तुम्हारी भूल, जाओ, उसे तुमने जैसा छोड़ा था वैसे ही पाओगे। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं उन्हें वैसा नहीं पाना चाहती। मैं कुछ दिनों तक आपकी ही सेवा में रहना चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ शांति मिलती है तो यहीं रहो, पास ही गोविंद स्वामी का आश्रम है, जहाँ रहकर तुम अपनी संगीत साधना कर सकते हो। यहाँ पना, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ। जी मैं आता है कहीं भागकर ऐसी जगह छुप जाऊं जहाँ मुझको इस दुनिया की शको शुभ वाली कोई नजर न देख सके। अगर हुजूर हुक्म दें तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने गुरु स्वामी हरिदास की शरण में जाना चाहता हूँ। उनके संगीत के अमृत से शायद ये ज्वाला कुछ शांत हो जाए। संगीत सम्राट तानसेन, आपके संगीत के जादू का लोहा आज सारा हिंदुस्तान मानता है। जिस अमृत की आपको तलाश है वो तो आपको खुद ही अपने पास मिल सकता है। स्वामी हरिदास के संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं जानता। मेरा संगीत मदहोश भले ही कर दे लेकिन वो सोए को नहीं जगा सकता, मुर्दे में जान नहीं डाल सकता। आज मुझे उन्हीं के संगीत से शांति मिल सकती है। जहां पना, आप खुद कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास का संगीत आपके संगीत से बढ़कर है और हम अब तक उससे महरूम रहे। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। जहां पना, शायद हुजूर का वहां जाना। हम समझ गए, हम बादशाह बनकर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही बनकर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है जहां पना? यही ठीक है, जाइए चलने की तैयारी कीजिए। आफ्ताबी मौसिकी सुना है, आपके संगीत का जादू आजकल कुछ कम होता जा रहा है। मैंने तो अपने आप को संगीत का जादूगर समझने का कभी दावा नहीं किया शहजादी साहिबा, और अगर किसी को गलतफहमी हो गई हो तो इसमें तानसेन का क्या कसूर। गुरुदेव, तनु आओ बेटी, कुशल से तो ना? आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। ये कौन है? ये मेरे एक साथी हैं, आपके दर्शनों के लिए आए हैं। शुक्रिया। आपका स्वर्गीय संगीत सुने कई वर्ष बीत गए, कुछ ऐसा उलझ गया कि आपकी सेवा में आ ही न सका। आज आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई है। पहले अपना दिल टटोलो तन, किसकी इच्छा किसे खींच लाई। यदि भगवान की भक्ति तुम्हें यहाँ खींच लाई है तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम स्वर्ग संगीत न सुनो। यदि कोई संसारिक इच्छा खींच लाई है तो किसी हालत में भी तुम्हें संगीत का पता नहीं चल सकता। मुझे तो तुम जानते ही हो कि मैं अपनी इच्छा से कभी नहीं गाता, भगवान मुझसे गवा लेते हैं। जाओ, भगवान के दर्शन करके लौट जाओ, जब वे फिर बुलाएंगे तो चले आ। गुरुदेव, ये तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ है, शायद ये तुम्हारा साथ निभा रहे हैं, लेकिन तुम अपने जीवन साथी का साथ निभा रहे हो या नहीं ये भी अपने दिल को टटोल के पूछना। किसी को भरमा कर तुम संगीत सम्राट बने नहीं रह सकते, ये बादशाह तुम्हारी छिन भी सकती है। तानसेन, ऐसी मात हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई, क्या हमें स्वामी हरिदास का संगीत सुने बगैर ही लौट जाना पड़ेगा? फिर एक बार कोशिश करूंगा। जहां पना, गुरुदेव का संगीत संगीत से ही जागृत हो सकता है।
सजनी जाए बसे परदे जाए बसे परदे रिम झिम रिम झिम मैं हाबर से रिम झिम रिम झिम सजनी जाए बसे परदे जाए बसे परदे रिम झिम रिम झिम मैं हाबर से रिम झिम रिम झिम मैं हाबर से नैना नीर झरे सजनी जाए बसे परदे जाए बसे परदे बादशाह के दरबार में रह के तुमने अपनी बुद्धि भावना प्रतिभा सब नष्ट कर दी और इसी संगीत पर अकबर बादशाह तुम्हें संगीत सम्राट कहते हैं। मुझे बादशाह और दुनिया से कोई सरोकार नहीं, किंतु मुझे दुख और पछतावा इस बात का है कि तुम मेरे शिष्य रह चुके हो। एक दिन तुम्ही ने अपने संगीत से गुरु और गोविंद दोनों को प्रसन्न किया है। तन्नू गुरुदेव, मैं सब कुछ भूल गया हूं। मेरी प्रेरणा, मेरी प्रतिभा, बुद्धि, भावना सब कुछ मुझे छोड़कर चली गई हैं। कहां चली गई हैं ये मैं खुद नहीं जानता गुरुदेव। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया कि आपका संगीत में आशीर्वाद पाकर मेरे सूखे जीवन में फिर से रस की वर्षा हो और मैं निहाल हो जाऊं। अपने गुणन की सुध बिसर गई आज अपने गुणन की आई गई बात बीते दिनन की सुध बिसर गई आज अपने गुणन की सपन सार विधना से हम हार बिखरे सपन सार विधना से हम हार आंसुओं में डूबी है पल के नयन की पल के नयन की सुध बिसर गई आज अपने गुणन की
प्रेरणा रूप घुट घुट गई सुख सरिता सुरन की सुरन की सुध बिसर गई आज अपने गुणन की आई गई बात बीते दिनन की सुध बिसर गई आज सनी सभा मग मध धम दस निशा सनी सन धनी धम धम गम धम धनिषा निदपमा सुध बिसर गई आज अपने गुणन की आए रे कलाकार जाने न संसार आए रे कलाकार जाने न संसार हर राग किसके मन की हर राग में पीर है किसके मन की हाय किसके मन की सुध बिसर गई आज सुध बिसर गई आज अपने मुनन की आई गई बात बीते दिनन की बीते दिनन की बीते दिनन की बहुत खूब आफरीन सद आफरीन। क्या बात है स्वामी जी, तानसेन ने सच ही कहा था आपके बारे में, अगर तानसेन संगीत के बादशाह हैं तो आप संगीत के खुदा हैं। अब आपसे छुपाना फिजूल है, मैं हूं जलालुद्दीन अकबर। शहंशाह छुपे नहीं रहते, मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन मैंने चाहा कि आप ही अपने मुंह से स्वीकार करें। गोविंद 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 गोविंद। शहजादी साहबा की बीमारी की खबर बादशाह सलामत के पास कब की पहुंच गई है, लेकिन ताज्जुब है कि हुजूर अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाए। राजा जी, हुजूर की गैर मौजूदगी में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। किसी हकीम या तबीब को शहजादी साहबा का मर्ज समझ में नहीं आ रहा। खुदा न करे शहजादी साहबा के दुश्मनों को कुछ हो गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे। या अल्लाह रहम कर। शहंशाह हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। प्रीति, बेटी, राजा जी, वजीर आला, ये अचानक क्या हो गया हमारी शहजादी को? तबीबों ने क्या कहा? हमारे हकीम अफजल कहाँ? हुजूर, शाही हकीम अफजल ने अपने बुजुर्ग उस्ताद से यहाँ तशरीफ लाने की इंतजार की है और उन्हें यकीन है कि उनके उस्ताद जरूर इस मर्ज का इलाज ढूंढ निकालेंगे। लेकिन वो है कहाँ? अभी तक आए क्यों नहीं? इन्हें दवाओं से नहीं, मौसीकी के एक करिश्मे से ही आराम हो सकता है। हम अपनी प्यारी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बताइए, मौसीकी का कौन सा करिश्मा हमारी शहजादी को इस तकलीफ से निजात दिला सकता है? हुजूर, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ये मरज दीपक राग गाने से ठीक हो सकता है। अव्वल तो इस जमाने में दीपक राग गाने वाला ही नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो उसे उस राग पर अपनी जान कुर्बान कर देनी पड़ेगी, क्योंकि दीपक राग गाने वाले का जिस्म जल जाया करता है। लेकिन कुदरत ने इसका भी इलाज पैदा कर रखा है। अगर कोई शुद्ध मेघ मल्हार राग गा सके तो दीपक राग से जला हुआ शख्स फिर से जी उठता है। लेकिन इस जमाने में ये दोनों राग गाने वाले मिलना नामुमकिन है। नहीं उस्ताद, ये बात गलत है। राग रागनियां कभी मिट नहीं सकती और उनके गाने वाले इस जमाने में भी मौजूद हैं। मियां तानसेन,
क्या ये सच है? दीपक राग गाने वाला मिल सकता है? हुजूर ये सच है और मैंने फैसला किया है ये बात साबित करने के लिए मैं खुद दीपक राग गाऊंगा। नहीं नहीं मियां तानसेन, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। खुदा की मर्जी होगी तो शहजादी की जान बच जाएगी, हम आपको दीपक राग गाने की इजाजत नहीं दे सकते। नहीं जहां पना, मैं दीपक राग गाऊंगा। ये जिंदगी शहजादी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है तानसेन, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। दिल्ली सुभाई, मैं वैसे भी खोया हुआ हूं, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन शहजादी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी लड़ा दूंगा। तुम्हारे बगैर मैं दीपक रात कैसे लाऊंगा, यही सोच रहा हूं। शायद ये मेरे जीवन का आखिरी गीत हो लेकिन जाते जाते मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुमने मुझसे दूर जाकर अच्छा नहीं किया, अपने तन्नू का तुमने जरा भी ख्याल ना किया। अंसा, मैं भले ही न रहूं लेकिन मेरा संगीत तुम्हारे रोम रोम में बसा रहेगा और हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तन्नू तुमसे अलग ना था। तुम गलत सोच रही हो, सच तो यह है कि तुम तानसेन की प्रिया हो, उनकी प्रेरणा हो और मैं उनकी शिष्या हूँ। मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानती, शिष्या गुरु के लिए बेटी की तरह होती है, बहन की तरह होती है और शुरू से उन्होंने मुझे इस रूप में देखा। मैंने अपनी गलती बाद में समझी और उनसे माफी मांगी लेकिन तुमने मुझे माफी मांगने का मौका ही नहीं दिया। राय प्रवीण, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ बहन, मैं अपनी नृत्य कला की सौगंध खा के कहती हूँ कि तानसेन जी ने मुझे हमेशा बहन और बेटी की तरह समझा है। दुखी ना हो बहन, जो होना था वो हो चुका, पर तुम्हारी इस गलतफहमी से संगीत सम्राट को बहुत कष्ट सहना पड़ा। बहन मुझे माफ कर दो, बहन मुझे माफ कर दो, सचमुच मैंने बहुत बड़ा पाप किया। संसा अब जल्दी चलो, समय बहुत कम है, तुम्हें ना पाने पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। क्या उन्होंने शहजादी को बचाने के लिए दीपक राग गाने का फैसला करके खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया है? क्या वो दीपक राग गाएंगे? शायद अब तक गा भी चुके हों। नहीं, नहीं, कहां है वो? आगरे में बादशाह के पास। चलो मैं उन्हें नहीं गाने दूंगी, नहीं गाने दूंगी। मैं ना कुलदेव से कहने मैं अपने स्वामी के पास जा रही हूँ। चंद्र छुपा सूरज छुपा, बुझा है मन का दीप, ज्योति बिन सुने नैन, जो मोती जलाओ ज्योति जगाओ, दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, मन में अंधेरा है दीपक जलाओ। अरे लाल डाओ रब को मनाओ, अरे लगाओ रब को मनाओ, दुखड़ों ने घेरा है दीपक जलाओ, दीपक जलाओ।
सागर अपार, लहराए जैसे के सागर अपार, कोई डूबते दिल को मेरे बजाओ, दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, मन में अंधेरा है दीपक जलाओ। यहाँ आस की बुझ गई हर मशाल, मेरे चांद सूरज कहाँ है बुलाओ, दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, मन में अंधेरा है दीपक जलाओ। गुनाह के कसूरवार हम, अगर हम चाहते तो तानसेन को दीपक राग गाने से रोक सकते, मगर शहजादी की मामता ने हमारा मुंह बंद कर दिया, हमें माफ कर दो हुसैन। राजा बिरबल एक मल्हार राग गाने वाले को लेकर आ ही रहे होंगे, तुम फिक्र न करो, हम तानसेन जी को कुछ नहीं होने देंगे। मल्हार राग से मेरे स्वामी ठीक हो जाएंगे, फिर से गाएंगे बोलेंगे, पर
नेक मल्ला जाग गाएगा कौन? राज प्रवीण, तुम उनके शिष्य हो, तुमने सीखा है ये राग उनसे। मैं भी मेघमल्ला राग नहीं जानती, पर मैं जरूर गाऊंगी। तनु ने कहा है संगीत दिल से निकलता है, मैं जरूर गाऊंगी। मेघ मेरे दिल की पुकार को नहीं ठुकरा सकते, बादल मेरी पुकार सुनेंगे, आएंगे घुमर घुमर कर आएंगे और मेरे स्वरूप पर बरसेंगे।
ऐसा न कहा। हुसैनी, मेघ मल्लार जाकर आज तुमने मौसीकी की लाज रखी। अगर तानसेन इस दुनिया में न रहते तो संगीत भी दुनिया से उठ जाता और इसका सारा इल्जाम हम पर आता। हुजूर, हमें तो शहजादी का एहसान मानना चाहिए जिनकी वजह से हम आपको संगीत का चमत्कार दिखा रहे हैं। हमें माफ कर दो तानसेन, हमने सिर्फ तुम्हें ही गलत नहीं समझा, तुम्हारे संगीत को भी गलत समझा था और इसकी सजा हमारे बदले तुम्हें मिली। शहजादी साहिबा, महावली, आज हम चूक गए। हंसा बहन ने हमसे बाजी मार ली। वाकई बाजी मार ली। तानसेन ने हमसे बाजी मार ली और हुसैनी बहन ने उनसे बाजी मार ली। बंदे बंदे, हर दफा आपका नाम सुनते ही हमारी रूह कांपती थी और आज आवाज कांप रही है, मगर फिर भी हमें हिम्मत करके ये कहना ही पड़ेगा कि तानसेन वाकई शहंशाह है, मौसीकी है, संगीत सम्राट है। सच है, जब तक चांद और सूरज कायम है दुनिया में संगीत के साथ साथ तानसेन का नाम भी अमर रहेगा। आफ्ताब मौसीकी, संगीत सम्राट तानसेन। मितवालट आए दी, मितवालट आए दी, आज मेरे चेहरा क्यों न गाए, आज मेरे चेहरा क्यों न गाए, शुभ दिन दर्शन पाए, मुझवा लौट आए दी।